राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद चल रहे हिंसा के दौर के लिए राज्य की ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। टीम ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। एनएचआरसी की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बंगाल के तमाम जिलों में हिंसा की व्यापक घटनाएं हुई हैं और इन्हें रोकने में सरकारी तंत्र पूरी तरह नाकाम रहा है। टीम ने हाईकोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच कराई जाए। इसके अलावा सभी मामलों के मुकदमे पश्चिम बंगाल से बाहर करवाने, गवाहों को सुरक्षा देने, मामलों की मॉनिटरिंग, पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कदम उठाने की भी सिफारिश की गई है। अपने 50 पन्नों की रिपोर्ट में आयोग की टीम ने पश्चिम बंगाल सरकार के तंत्र को पूरी तरह नाकाम बताया है। रिपोर्ट में 5 जिलों का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि किस तरह यहाँ हिंसा का तांडव किया गया, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इस रिपोर्ट को देखने से पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस को हिंसा की एक एक घटना की जानकारी है, लेकिन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का उसका रवैया ढुलमुल है। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के डीजीपी के हवाले से बताया गया है कि कूच बिहार में हिंसा के 2,264 आरोपी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5% की ही गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह हावड़ा ग्रामीण में भी 137 आरोपियों में से सिर्फ 3% ही गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि बारुईपुर में 12%, बीरभूम में 18% और बशीरहाट में 17% आरोपी ही गिरफ्तार हुए हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि राज्य के 13 जिलों में दहाई के आंकड़ों में FIR तक दर्ज नहीं की गई है। उदय नारायणपुर में तो FIR दर्ज न होने का आंकड़ा 94% तक है, जबकि खेजुरिया में हिंसा की 54 घटनाओं में से एक की भी FIR दर्ज नहीं हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम की इस रिपोर्ट से सूबे की CM ममता बनर्जी के उन दावों की पोल खुल गई है जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरों को गलत और सरकार की छवि खराब करने की कोशिश बताया था, जबकि हिंसा इतनी व्यापक हुई थी कि उत्तरी बंगाल के कई जिलों से करीब 400 लोगों को पड़ोसी राज्य असम में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। इसके अलावा कई लोगों की हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।